सर, देश में ओमिक्रॉन का पहला पांचवा मामला आ चुका है, दिल्ली में पहला मामला है, आपके अस्पताल में भर्ती है, मरीज की क्या स्थिति है और किस तरह से दिल्ली के लिए कितना बड़ा खतरा इसे देख रहे हैं आप? ये जो पहला मामला हमें मिला है ये 2 तारीख को आया है और ये तंजानिया से ट्रेवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में, और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। हमने इसका सैंपल भेजा आरटीपीसीआर के लिए, क्योंकि जो शुरू में आया था तो रेट पॉजिटिव था। अभी आरटीपीसीआर दोबारा भेज के हमने इसका जीन सिक्वेंसिंग कराया जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, और जो बाकी के पेशेंट्स थे उनमें नेगेटिव आया है। अपनी दो को ही इसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल? जी 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 हाँ। तो उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट भी रहे होंगे सर, तो क्या उन सबका जीनोम सीक्वेंसिंग? हाँ, वो उनका सारा जो कॉन्टैक्ट है उनको ट्रेस कर रहे हैं और उनके लिए भी हमने सारी जो डिटेल्ड सूचना है वो प्रशासन को दे दी कि जो जो भी इनके कॉन्टैक्ट में आए थे उनको ट्रेस कर रहे हैं। जी, ये क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक बड़ी चिंता है, आपने बताया कि माइल्ड सिम्टम्स है, उनमें खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक का जो मतलब ओमिक्रॉन का जो बिहेवियर है उसे देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं, मतलब उस मरीज की क्या कुछ? देखिए, इस मरीज ने दोनों कोरोना की वैक्सीन की डोज पहले ही ले रखी थी, इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं था, यानी कि बहुत हल्के सिम्टम्स थे। हमारे यहाँ पे 17 पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, या तो आरटीपीसीआर से पॉजिटिव हैं या रेड से, 17 पॉजिटिव हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं 6 लोग वो हैं, टोटल 23 पेशेंट्स हमारे यहाँ लोकनायक में एडमिट हैं। ओमिक्रॉन के लिए कोई डेडिकेटेड टीम? जी जी, अलग डेडिकेटेड टीम है, अलग से स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की है, उसमें अलग से टीम का गठन किया है और वही उसका राउंड द क्लॉक देखभाल करती है।